हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ बेस होते हैं, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, इस थ्री पॉइंट्स को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो These devices are used to feed data and instructions into a computer. ये जो devices होते हैं, computer को data और instructions देते हैं। उसके बाद वो जो हम instruction देते हैं, उसका process होता है। process होने के बाद उसे हम output देते हैं, जिसे हम result कहते हैं। तो सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले input device। तो input device के example होंगे keyboard, mouse, scanner, etc. बहुत सारे input devices होते हैं। तो सबसे पहले है keyboard। एक keyboard is an input device. आपको स्क्रीन पर लिखने के लिए मदद करते हैं। ये है कीबोर्ड। एक कीबोर्ड का स्ट्रक्चर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, पूरा कीबोर्ड का फंक्शन, उसके हर एक की के बारे में हम जानेंगे। तो अब आता है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट एक ही है, जिसका नाम है सीपीयू। तो सीपीयू का फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। अब है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है, जिसको हम सिंपल मीनिंग में कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट इज द रिजल्ट। जो हमारा आउटपुट आता है, जो हम इसे इनपुट देते हैं, इनपुट जो हम इसे कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन कर देते हैं, किसके द्वारा? तो इनपुट डिवाइस के बारे में। और प्रोसेसिंग, जो हम इनपुट देते हैं उसको जो प्रोसेस करता है, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है, आउटपुट कहलाता है। तो सिंपल मीनिंग में हम लोग जानेंगे आउटपुट इज द रिजल्ट। तो इसका जो डिवाइसेज, एग्जाम्पल डिवाइस का है, मोनिटर है, स्पीकर, ये सब आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल है। तो आउटपुट डिवाइस क्या है, रिजल्ट? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट के बारे में। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में एक सिंपल एग्जाम्पल से लोग समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोई सा गेम इंस्टॉल करते हैं, तो जो हम इंस्टॉल करते हैं वो हो गया इनपुट, और उसके बाद जो इंस्टॉलिंग होता है, जो हमारा डाउनलोडिंग होता है, तो प्रोसेस हो गया। उसके बाद जो हमारा आउटपुट निकलता है, यानी जब हम गेम प्ले करते हैं, तो हमारा रिजल्ट हुआ। जैसे तो ये रहा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट के बारे में। तो अब है मॉनिटर। तो मॉनिटर प्रोवाइड विजुअल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन। जो मॉनिटर होता है, स्क्रीन, जो स्क्वायर मीन्स इंफॉर्मेशन देता है, जिससे हम क्लियरली देख सकते हैं। तो अब है स्पीकर। तो स्पीकर क्या काम, स्पीकर जो हमें मॉनिटर साउंड या म्यूजिक आता है, उसे हम सुन सकते हैं। स्पीकर अलाउज यू टू लिसन म्यूजिक एंड हेयर द साउंड। उसे यही काम है। स्पीकर का कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं, उसे हम कोई सा भी हमारा जो साउंड होता है, उसे हम क्लियरली सुन सकते हैं। किसके द्वारा? तो म्यूजिक के द्वारा, नहीं म्यूजिक के द्वारा नहीं, स्पीकर के द्वारा। तो ये हमने सीखा इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब।